सबसे पहले खबर यूपी के जौनपुर से आपको बताते हैं, जहां पर एक ब्लॉक प्रमुख की गुंडागर्दी का ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर आप दहल उठेंगे। इस वीडियो में ब्लॉक प्रमुख खुद मौके पर बाकायदा खड़े होकर महिलाओं को पिटवाता नजर आता है। कार्रवाई को लेकर पहले ढिलाई बरतने वाली पुलिस वीडियो वायरल होने के बाद अब हरकत में आई है। एक, दो, तीन, चार। एक के बाद एक महिलाओं पर डंडे से ताबड़तोड़वा। सामने से महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए अपने गुर्गों को उकसाता ब्लॉक प्रमुख। यूपी के जौनपुर के करंजा कला ब्लॉक प्रमुख दीपचंद सोनकर ने अपने गुर्गों से इस कदर महिलाओं को पिटवाया जिसे देखकर रूह कांप उठे। खदेड़ खदेड़ कर दीपचंद सोनकर का गुर्गा महिलाओं पर बड़ी ही बेरहमी से डंडे बरसाता रहा। ब्लॉक प्रमुख का ये गुंडा एक महिला को खेत में पटक पटक कर उस पर इस कदर वार करता रहा जैसे उसकी जान लेने पर आमादा हो। इसके बाद मौके पर मौजूद कुछ लोग महिला को बचाने खेत में दौड़े। उधर ब्लॉक प्रमुख का गुंडा महिलाओं पर कहर ढा रहा था, इधर ब्लॉक प्रमुख उसे उकसा रहा था। ब्लॉक प्रमुख के साथ मौजूद उसका गनर भी मौके पर बंदूक लहराकर महिलाओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ककोरा गांव की महिलाओं और ब्लॉक प्रमुख के बीच जमीन और रास्ते को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते 14 दिसंबर को ब्लॉक प्रमुख दीपचंद सोनकर सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आया, महिलाओं को अपने गुंडों से बुरी तरह पिटवाया। खुद पर ढाए गए जुल्म की शिकायत करने महिलाएं सराय ख्वाजा थाने पहुंची, लेकिन हैरानी की बात ये कि कानून का राज कायम करने, सर्व समाज के लोगों और मजहब की पूरी हिफाजत करने का दावा करने वाली यूपी पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। वोट जब ले आए लहलेन तो कहलेन कि हमें ग्राम समाज की जमीन है तोने के हम रास्ता देवे, तोने के तोने गोरु चौगा बना तोने हमें वोट दे दा, तो हम कहे कि वोट हम तो हमें दे दे थे मगर हमने के रास्ता दे दा, मगर देहलेन ना है। हमने के दौड़ाए दौड़ाए मारे हैं, हमने गैली है वहाँ सराय खाजे थाने पे सब भगाए, कौनो सुनवाई नहीं भाई। हमने वोट दे के मतलब जिताए तो मार खाने के लिए थोड़ी ना जिताए हैं उनसे जब मारे। अरे दीपचंद सोनकर मारे हैं, सोनकर में बहुत जन पूरा लेके आए थे और फिर उनके और सब दारू पी के आए थे। और रही बात उनके जो बॉडी गार्ड थे वो बंदूक ले लेके मतलब तान रहे थे, अगर उस समय हमारे घर के कोई भी सदस्य रहे होते तो मार देते वो सच्ची। दीपचंद सोनकर मछली शहर से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और पूर्व राज्य मंत्री जगदीश सोनकर का भाई है। आरोप है कि इसके चलते पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बदले उल्टा पीड़ितों को ही डांट डपट कर चुप कराने की कोशिश करती रही। हालांकि उसने पीड़ितों की शिकायत तो ले ली, लेकिन ब्लॉक प्रमुख को बचाने के मकसद से मामले में कमजोर धारा लगा दी। ब्लॉक प्रमुख की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने और मीडिया में दिखाए जाने के बाद पुलिस की नींद टूटी और फिर आनंद फानंद में एसपी ने ब्लॉक प्रमुख समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ धाराओं में बदलाव करते हुए न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए बल्कि मामले में पुलिस की भूमिका की भी जाँच शुरू करवाई। मुकदमा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त शमशेर सोनकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस की भूमिका की जांच सीओ सदर श्री विनय कुमार द्विवेदी को सौंपी गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार
कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के साथ बर्बरता से पेश आने वाले ब्लॉक प्रमुख दीपचंद सोनकर को पार्टी से निकालते हुए ट्वीट के जरिए अपना रुख साफ किया है, जिसमें लिखा है कि जौनपुर जिले में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से महिलाओं पर अत्याचार एवं अभद्र व्यवहार करने वाले सभी नेता एवं कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी निष्कासित करती है। सरकार से मांग है कि घटना में लिप्त सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। बहरहाल एसपी के आदेश के बाद हरकत में आई पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गुड्डा ब्लॉक प्रमुख दीपचंद सोनकर पर शिकंजा कसने में वो कब कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जौनपुर से नीतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और आप इन गुंडों को इस जमाने का दुर्योधन, दुशासन कहें तो भी गलत नहीं होगा।